कि जो तराई का क्षेत्र कभी मलेरिया और तमाम अन्य प्रकार की बीमारियों के कारण लोगों के लिए भय और दहशत का कारण बना होता था, आज जन विश्वास यात्रा के दौरान ही यहाँ पर एक योजनाओं के शिलान्यास का भी अवसर मुझे मिला है, जिसमें पीलीभीत के लिए एक मेडिकल कॉलेज का भी निर्माण कार्य होने जा रहा है। पीलीभीत वासियों को इसके लिए मैं बधाई देता हूं और यहाँ के विधायकों को, जनप्रतिनिधियों को इस कार्य को ले जो पीलीभीत में इसको लेकर आने में सफलता प्राप्त हुई है, इनको भी मैं हृदय से बधाई भी देता हूं और एक अच्छे प्रयास के लिए धन्यवाद भी देता हूं। भाइयों बहनों, इसके अलावा तमाम अन्य परियोजनाओं का लगभग आज यहां पर 380 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी हो रहा है, जिसमें डिग्री कॉलेज का भी है, हाई स्कूल के निर्माण का भी है, 12 पेयजल की योजनाओं का है, एक आश्रय गृह के निर्माण का भी है, जिला चिकित्सालय परिसर में वन स्टॉप सेंटर का है, डायट परिसर बीसमपुर में ऑडिटोरियम, टेलीकॉल, रिसेप्शन और हॉस्टल के निर्माण का है, आईटीआई पीलीभीत में कुछ नए ट्रेड बढ़ाने के हैं, ऐसे ही अन्य तमाम कार्यक्रम है जिसमें डायलिसिस यूनिट जिला चिकित्सालय पीलीभीत है, अन्य सड़क के संपर्क मार्गों से जुड़ी हुई परियोजनाएं हैं जिनका आपके विधायकगण आपके जनपद में अपने परिश्रम से जिन योजनाओं को लेके आए हैं, आज उनका शिलान्यास का अवसर भी यहां पर प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए पीलीभीत वासियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। भाइयों बहनों, 5 साल पहले उत्तर प्रदेश की तस्वीर क्या थी? एक अराजकता, गुंडागर्दी, अव्यवस्था, शोषण, दंगा और सर्वत्र एक पहचान का संकट उत्तर प्रदेश के नागरिकों के सामने खड़ी करने वाली सरकार थी। 5 वर्ष पहले, जब 5 वर्ष, इन 5 वर्षों के दौरान 5 वर्ष पहले जब प्रदेश में किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर था, नौजवान पलायन करने के लिए मजबूर था, बेटियां स्कूल से वंचित रहती थी क्योंकि उनके सामने सुरक्षा का संकट खड़ा होता था और पर्व और त्योहारों के पहले बड़े बड़े दंगे हो जाते थे, आस्था पर भी सरकारें लगातार प्रहार कर रही थी। लेकिन जब 2017 में प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर आप सब ने, जनता जनार्दन ने भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनने के बाद सबसे पहला कार्य हुआ वह हुआ था किसानों की कर्ज माफी का। और भाइयों बहनों, 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ करने वाली देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहली सरकार थी और हम लोगों ने उस समय जिस कार्य पद्धति को प्रदेश के अंदर आगे बढ़ाने का कार्य किया था वह किसी से नहीं छुपा है। वे कार्यक्रम लगातार आगे बढ़ते गए, पर्व और त्योहारों में शांति और सौहार्दपूर्ण तरीके से कार्यक्रम आगे बढ़ते गए और इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान जब पूरी दुनिया इस महामारी के सामने पस्त थी, तब प्रदेश के अंदर फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन और फ्री में गरीबों के लिए अन्न योजना लाने का कार्य भी डबल इंजन की सरकार आपके लिए आई है। भैया बहनों, आज प्रदेश में दंगा नहीं हो सकता क्योंकि दंगाइयों को मालूम है दंगा करेंगे तो 7 पीढ़ियां भरते भरते थक जाएंगी, लेकिन दंगे के द्वारा हुई संपत्ति के नुकसान की भरपाई नहीं कर पाएंगे। उन्हें यह भी मालूम है कि आज प्रदेश में दंगा नहीं बल्कि
प्रदेश की सरकार गन्ना उत्पादक किसानों को प्रोत्साहित करती है। पिछली सरकारें किसानों को प्रोत्साहित करती थी, इस सरकार ने गन्नाओं को प्रोत्साहित किया। नौजवानों के लिए पहले 2017 के पहले नौकरी निकलती थी और नौकरी निकलने के साथ, भाइयों बहनों, जब नौकरी निकलने के साथ प्रदेश के अंदर आपने देखा होगा, एक परिवार में महाभारत के सभी रिश्ते वसूली में निकल पड़ते थे, कहीं चाचा, कहीं भतीजा, कहीं भाई और कहीं और भी, तो कहीं मामा थे, कहीं भांजे थे, ये सभी वसूली में निकल पड़ते थे। हर भर्ती विवादित होती थी, न्यायालय को रोक लगानी पड़ती थी, नौजवान देखता ही रह जाता था। 10 वर्षों तक प्रदेश में कोई भी ईमानदारी के साथ नियुक्ति नहीं हो पाई, लेकिन हम कह सकते हैं पिछले 4.5 वर्ष के अंदर 4.5 लाख नौजवानों को हमने सरकारी नौकरी दी, 1,61,00,000 नौजवानों को प्रदेश के अंदर ही उद्योग लगा करके रोजगार की सुविधा दी और परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करते हुए अभी जब मुझे यहां पे मंच पर श्री संजय गंगवार जी ने पीलीभीत की बांसुरी दी, आप याद करिए पीलीभीत की इस बांसुरी को कभी भगवान कृष्ण बजाया करते थे, आज हमने पूरी दुनिया तक पीलीभीत की बांसुरी को पहुंचा दिया। आज की मुरली को भगवान कृष्ण ने 5,000 वर्ष पहले मान्यता दी, लेकिन पिछली सरकारों ने इस मुरली को भी बुला दिया था। और भाइयों बहनों, आज 5,000 वर्ष पुरानी भगवान कृष्ण की स्मृति को हमारी सरकार ने एक जनपद एक उत्पाद योजना के माध्यम से फिर से आपकी ब्रांडिंग का एक माध्यम बनाया। आज जहां कहीं भी बांसुरी की बात होती है तो पीलीभीत का नाम सबके जवान पर आ जाता है। यहां पर नए उद्योग लगाए जा रहे हैं, ये उद्योग विकास की एक नई कहानी को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। अब हम विकास से वंचित नहीं होंगे, यहां के नौजवानों को प्लान नहीं करना पड़ेगा और आपको नौकरी के लिए रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, घर में बैठे बैठे आपके गांव में आपके जनपद में ये सुविधा आपको प्राप्त होने जा रही है। और भाइयों बहनों, ये जन विश्वास यात्रा इसी विश्वास के साथ आज आपके बीच आई है। आपने आशीर्वाद दिया, सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण सरकार ने दिया, नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार की सुविधा दी, महिलाओं के उत्थान के लिए कार्यक्रम चलाए, किसानों की खुशहाली के लिए सरकार ने विशेष प्रावधान किए और आज उसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश जो कभी देश के अंदर पहचान के संकट से मोहताज था, आज वही उत्तर प्रदेश विकास की प्रक्रिया में देश के अंदर अग्रणी भूमिका का निर्वहन कर रहा है। अब हमें आपका आशीर्वाद चाहिए, उत्तर प्रदेश नंबर एक का प्रदेश बन सके, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी फिर से आपका आशीर्वाद प्राप्त करने के आपके बीच इस जन विश्वास यात्रा के माध्यम से आई है। भाइयों बहनों, हमने राष्ट्रवाद की स्थापना के लिए भी कार्य किया, सुशासन की स्थापना के लिए भी कार्य किया, बड़े बड़े विकास के प्रोजेक्ट को लाने का कार्य भी किया, हाईवे हो या रेलवे, एयरपोर्ट के निर्माण का कार्य हो या मेडिकल कॉलेजेस की एक लंबी श्रृंखला खड़ी करने का कार्य, स्कूली शिक्षा हो या उच्च शिक्षा, इन सबके उत्थान के लिए जहां कार्य पूरी प्रतिबद्धता के साथ किया गया, वहीं देश की आन मान और शान के खिलाफ अगर किसी ने गुस्ताखी की तो फिर डबल इंजन की सरकार ने उसका मुंह तोड़ जवाब देने का कार्य भी किया है। कश्मीर से धारा 370 हटाने की प्रधानमंत्री मोदी जी की कार्रवाई हो या अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण का कार्यक्रम, किसी से छुपावा नहीं है,
हम कोई कार्य चोरी छिपे नहीं करते हैं। हमने तो अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर, भव्य राम मंदिर निर्माण की कार्रवाई को भी आगे बढ़ा दिया है और काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण करके उसको जनता को, देश को भी समर्पित कर दिया है। हम लोगों ने गरीब के लिए भी योजना चलाई है। आपने देखा होगा डबल इंजन की सरकार है, महीने में दो बार हर गरीब को अन्न योजना का लाभ मिल रहा है। पहले पैसा कहां जाता था भाइयों बहनों? सरकारी पैसे पहले भी थी, पैसा पहले भी था, पहले पैसा सत्ताधारी नेताओं की जेब में जाता था और वही पैसा जेसीबी से निकाला जा रहा है। आपने देखा होगा जेसीबी से मुझे पैसा निकल रहा है, नोट की गट्टी निकल रही है, नोट के पहाड़ निकल रहे हैं। पीलीभीत को तराई से जुड़ा है, यहां से कुछ ही दूरी पर पहाड़ दिखता होगा, लेकिन आपने यहां पर ये भौतिक पहाड़ को, मिट्टी और पत्थर से बने हुए पहाड़ को देखा ही होगा, लेकिन आपने टेलीविजन में नोट के पहाड़ भी देखे होंगे। ये बेमानी से कमाया गया वह धन है जो गरीब के पास जाना चाहिए था, किसान के पास जाना चाहिए था, महिलाओं के काम के लिए लगना चाहिए था और बेरोजगार नौजवानों के रोजगार के लिए लगना चाहिए था। पहले यही पैसा जो आज गरीब के घर में लग रहा है, उसका मकान बनाने में, उसके शौचालय बनाने में, उसको 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा कवर करने में लगाया जा रहा है, यही पैसा पहले इन भ्रष्ट नेताओं की जेब में जाता था और वही पैसा आज हम लोग जेसीबी के माध्यम से उनके घरों से निकाल रहे हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा, सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ईमानदार सरकार चाहिए। विकास के कार्यों का लाभ गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, समाज के प्रत्येक तबके को मिले, इसके लिए ईमानदार और कर्मठ सरकार चाहिए। राष्ट्रवाद के मुद्दे पर, देश के आन मान और शान के खिलाफ किसी भी प्रकार की गुस्ताखी स्वीकार नहीं करने वाली सरकार चाहिए और आस्था का सम्मान करने वाली सरकार भी चाहिए। और भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इन सभी मुद्दों पर पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम किया है। इसमें किसी भी प्रकार की, मैं पूछना चाहता हूं, क्या अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण समाजवादी पार्टी कराती? क्या कांग्रेस कराती? क्या बहन जी की पार्टी कराती? ये गरीबों को जो अन्न दिया जा रहा है, क्या ये समाजवादी पार्टी देती? बहुजन समाजवादी पार्टी या कांग्रेस देती? आप में से कितने लोगों ने वैक्सीन लगाया है? वाह, अभिनंदन आपका, आपने सभी लोगों ने वैक्सीन लगाया है। लेकिन मैं आप सबसे अपील करूंगा, कोरोना महामारी अभी समाप्त नहीं हुई है और कोरोना महामारी को देखते हुए जिन लोगों ने वैक्सीन ले लिया है वे अभिनंदन के पात्र हैं, जिन्होंने नहीं लिया है उनको वैक्सीन लेने के लिए आप जरूर कहेंगे। और वैक्सीन के साथ साथ कोरोना के नियमों का पालन करने के लिए भी हम सबको तैयार होना होगा। और भाइयों बहनों, हम पूरी तरह सतर्क होकर के कोरोना से भी निपटेंगे। प्रदेश में आपके आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी फिर से सरकार बनाएगी। आप सभी सहमत हैं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी चाहिए ना?